जहाँ कारखाने होते हैं वहाँ कोई उसका मालिक होगा और होंगे उस कारखाने में काम करने वाले कई कर्मचारी। जब दल हो तो कभी हितों के टकराव की बात हो सकती है, तो कभी किसी मुद्दे पर कोई संशय भी पैदा हो सकता है। इस कहानी के लिए हम ले चलते हैं आपको गुजरात के एक शहर अहमदाबाद, जहां पहला कॉटन मिल तो 1861 में खुला था, लेकिन 1900 में आते आते वहां 27 मिल खुल चुके थे। अगले 10 साल में ये संख्या 52 तक पहुंच चुकी थी। धीरे धीरे आगे के वर्षों में मिल और फिर उसके वर्कर्स की संख्या बढ़ती रही और अहमदाबाद मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के रूप में स्थापित हो गया। पूरे देश से लोग अहमदाबाद के कॉटन मिल में काम करने पहुंच चुके थे। साल 1917 की बात है। आपको याद दिला दें, उस साल मॉनसून के समय में बड़ा प्लेग आया था, बड़ा हाहाकार मचा था। मिल वर्कर्स ऐसे में डरकर अहमदाबाद छोड़ने लगे। जाहिर है, ऐसे में कपड़ों के व्यापार को बड़ा धक्का लग सकता था। वर्कर्स काम छोड़कर शहर से बाहर ना जाएं, इसके लिए मिल मालिकों ने बोनस देने की घोषणा कर दी। कई मिल मालिकों ने तो 70-80% तक बोनस भी दिया, जिसका अनुकूल प्रभाव भी पड़ा। वर्कर्स शहर में रुक गए और कॉटन मिल अपने नियत समय में सभी ऑर्डर को पूरा करने में सफल रहा। धीरे धीरे प्लेग भी खत्म हुआ और फिर बोनस भी रोक दिया गया। दो गुटों में टकराव यहीं पर शुरू हुआ। वर्कर्स ने सैलरी में कम से कम 50% वृद्धि की मांग रखी। मालिक ने 20% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया। समझौता दिख नहीं रहा था, तो बात स्ट्राइक तक पहुंच गई। फरवरी 1918 में ये विवाद वाली बात मोहनदास करमचंद गांधी तक पहुंची। तब तक गांधी साउथ अफ्रीका में कमाल तो दिखा ही चुके थे। देश के पहले सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह में भी उन्हें सफलता मिल चुकी थी। ऐसे में सभी को पूरी उम्मीद थी कि ये मिल वर्कर्स उनकी बात सुनेंगे। यहाँ टकराव देश के लोगों के बीच में ही था। खासकर अहमदाबाद के मिल मालिक सारे देशी लोग ही थे और वर्कर्स तो भारतीय थे ही। मिल मालिक भी जानते थे कि गांधी वैश्य समुदाय से होने की वजह से उनके दुख दर्द को समझ सकते हैं और वो व्यापार को बंद नहीं होने देंगे। वहीं वर्कर्स के लिए तो वो भगवान थे ही। दोनों दलों में समझौता हो, ऐसा सभी चाहते थे। उस समय देश के नेता भी यही चाहते थे। वैसे भी किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए जहां लोगों की जरूरत होती है, वहीं धन भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इस बात की सच्चाई सभी जानते थे। खैर, मोहनदास करमचंद गांधी ने अपना अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने घोषणा कर दी कि ये अनशन अब तभी टूटेगा जब दोनों दलों में समझौता हो जाए। इस अनशन में भोजन नहीं लेना और कार का इस्तेमाल नहीं करना शामिल था। उस समय अहमदाबाद के मिल मालिकों ने भी बड़ी दरियादिली दिखाई। उन्होंने कह दिया कि गांधी के अनशन को खत्म करने के लिए वो किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार हैं। गांधी ने भी साफ कर दिया कि उनकी वजह से किसी को कोई भी शर्त मानने की जरूरत नहीं। उनका मानना था कि समझौता ऐसा हो जिसमें दोनों पक्षों का भला हो। आखिर में दोनों पक्षों के लोग बैठे और 27.5% सैलरी वृद्धि पर बात तय हुई और स्ट्राइक टल गया। वहाँ ये भी तय हुआ कि आगे चलकर सैलरी में और भी वृद्धि दी जाएगी। इस समझौते में गांधी के साथ वल्लभ भाई पटेल भी थे, जो पहले से स्थानीय राजनीति में सक्रिय थे। यहीं से दोनों नेताओं के बीच सहभागिता की शुरुआत भी कही जा सकती है, जो कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के बीच तालमेल बिठाने में सफल हुए थे। आगे चलकर देश के कैपिटलिस्ट ने आजादी के आंदोलन में जमकर आर्थिक सहयोग दिया, जो किसी से छुपा नहीं है।